करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of February 2023 शाम को। यूएस सीपीआई डेटा है, मार्केट इज वेटिंग फॉर द नंबर्स। डॉलर इंडेक्स लोअर ऑन मार्केट कंसोलिडेशन जस्ट प्रायर टू यूएस सीपीआई डेटा। अभी है 103.19, इट टुक ए रेजिस्टेंस एट 103.8090 लेवल। And also RSI wise, trying to take resistance at 60. So many build-ups are there. Consolidations are going on, but the data will further clarify kidhar jana hai. Breakout karke upar ki taraf jana hai ya breakdown karke further low towards 101 ki taraf jata hai. Wo hame dekhna. डॉलर रुपी अभी है 82.6061। ये आपका रेजिस्टेंस अभी भी ले रहा है। एंड द क्रूशियल थिंग इज, क्या ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या सपोर्ट फेल करके फर्दर नीचे की तरफ आता है। प्रोबेबली आज के यूएस सीपीआई डेटा के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डॉलर रुपी किधर जा रहा है। As of now, 82.90-83 acts as a strong resistance. GBP dollar 1.2147 अभी है। कल अच्छा खासा एक bounce back आया है from the low, that is 1.2050 level से। और यहाँ पे initial जो observation से daily it is taking support at 40, whereas weekly is at 52.57 after taking resistance at 60, it has fallen from above. So, क्या ये यहाँ पे support को confirm करेगा post data and ऊपर जाएगा, हमें देखना पड़ेगा। GBP INR अभी है 100.33, यहाँ पर भी थोड़ा सा 40 around पे support देखा गया है। Prior that is on 9th of February, it took resistance at center band. क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है या फर्दर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये यूरो डॉलर अभी है 1.0730, डेली ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, दैट बीइंग द केस, क्या ये यहाँ से बाउंस बैक करके सेंटर बैंक की तरफ आता है, दैट इज एट 1.0825 उधर आता है या नहीं। वीकली पे आपका एट 59.67 जस्ट बिलो 60 से टुवर्ड्स 60 आ रहा है। सो क्या वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक आपका रेंज शिफ्ट होगा, बट उसके लिए अभी भी जस्ट आज ट्यूसडे है और मीन्स 4 days बाकी है, जस्ट एक ही दिन गया है वीक। सो यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस बाकी है, हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ यू एस सी पी आई के लिए हमें इंतजार रहेगा। यूरो INR पे अभी है 88.67, सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बिटवीन 88 and 89.25 बिफोर एनी मेजर डायरेक्शन चेंज। डॉलर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द येन, ये आपका ऊपर गया था 132.90 पे, अभी है 132.17। सो यहाँ पे जो क्रूशियल है आपका 6 फरवरी का है, दैट इज 132.91। सो आप ले सकते हो कि 133, ये 133 के ऊपर ये हायर है, हायर लो कंफर्म करेगा, क्या ये होता है या नहीं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज ऑल करेंसी पेयर्स एट कंसोलिडेशन लेवल वेटिंग फॉर फर्दर क्यू, क्या ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या रिट्रेस करेगा डाउनवर्ड। येन INR 62.51, ये दोबारा एक डबल बटम फॉर्म हुआ है। व्हाट इज डबल बटम? 6 फरवरी का लो एंड आपका 13 फरवरी का लो। अभी आज के दिन क्रूशियल है, क्या ये एक दो दिन का लो को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आता है या नहीं, वो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसका क्रूशियल थिंग है वीकली पे RSI जब तक 60 के ऊपर है, नाउ एट 60.93, तब तक नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 60 के नीचे आ जाएगा वी में एक्सपेक्ट अ शार्प सेल ऑफ हियर।
Dollar candy 133.50, consolidation in between 135 and 132.50 के बीच में, थोड़ा सा हवा क्लियर करना पड़ेगा, मीन्स द परसेप्शन मार्केट एक्सपेक्टेशन सारा क्लियर करना पड़ेगा, ये रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑसी डॉलर अभी है आपका 0.6955, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑन द हायर साइड 7010 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 6850, इसके बीच में फंसा हुआ है, लेट इट क्लियर आउट दिस पार्टिकुलर रेंज फर्स्ट। डॉलर सीएनए 6.8084, ये आपका 6 फेब्रुअरी का हाई के ऊपर गया था लेकिन क्लोज दे नहीं पाया, सो थोड़ा सा फर्दर और क्लैरिटी चाहिए। यूके ऑयल 85.80, ये आपका 10 फरवरी का हाई के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 3.698, जस्ट बिफोर द यूएस सीपीआई थोड़ा सा करेक्शंस, हल्का सा करेक्शंस हुआ है फ्रॉम हाई ऑफ 3.755, ये 3.698 आया है। अभी क्रूशियल थिंग वही है, क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा पोस्ट सीपीआई रेट या ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, यही हमें देखना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता भी है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3.90, दैट मे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ आता है रेस्पेक्टिंग 60 आरएसआई एज रेजिस्टेंस, देन द फर्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 3.565 एंड द सेकेंड सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 3.40। सो हमें आज का शाम का यूएस सीपीआई डेटा काफ़ी, उसका क्या नंबर्स आता है, नॉट ओनली हमें, ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर दैट वन। सो अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।